हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूँ आशीष और आज हम बात करेंगे रियलमी के बर्ड्स की, जो कि हैं एयर 3 नियो। मैं इनको पिछले 10 दिनों से यूज़ कर रहा हूँ और मैंने इनको अराउंड 2000 रुपीज़ का परचेज़ किया था। बट कुछ लोगों ने सेल के, जो अभी सेल चली थी अमेज़न फ्लिपकार्ट पे, उसमें अराउंड इन्होंने 1600-1700 के भी कुछ लोगों ने परचेज़ किए हैं। बट मेरा जो ये रिव्यू रहेगा वो मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ कि 2000 के ही हैं, क्योंकि अभी इनका रेट दोबारा से 2000 हो गया है। तो मैं पूरा रिव्यू उसी को दिमाग में रखते हुए करने वाला हूँ। मैंने इसको ऑलरेडी चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया है, तो अगर आप किसी पर्टिकुलर सेक्शन में जाके कुछ एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को डायरेक्टली स्किप भी कर सकते हैं। बट अगर आप इसको परचेज करने की सोचें तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, स्किप मत करना, क्योंकि एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले गाइज मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग दिखा देता हूँ, आप फटाफट से अनबॉक्सिंग देखिए, फिर आके हम बात करते हैं। अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस जो है वो हमें काफ़ी सिंपल सा देखने को मिलता है, क्योंकि ये 2000 का प्रोडक्ट है। बट इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि इसमें हमें चार्जिंग केबल देखने को मिलती है, जो कि ओप्पो के बर्ड्स 2 की जब मैंने अनबॉक्सिंग करी थी उसमें मिसिंग थे, जो कि उसका एक डिसएडवांटेज था। तो यहाँ पे रियलमी ने अच्छी जॉब करी है। अब हम इसके फटाफट से की फीचर के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके डिज़ाइन, कॉलिंग और सारे फीचरों के बारे में बात करेंगे। की फीचर्स के बारे में बात करें तो इसमें आपको ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, 10mm के बेस बूस्टर ड्राइवर देखने को मिल जाते हैं, और आपको इसमें डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, जो कि कुछ सिलेक्टेड रियलमी फोन्स के साथ ही वर्क करेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे हमें फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, जो कि 10 मिनट चार्ज करने के बाद अप टू 120 मिनट का आप इसमें से लिसनिंग टाइम निकाल सकते हैं। इसी के साथ साथ ये IPX5 रेटेड भी हैं, तो अगर आप इसको जिम वगैरह के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो हल्के फुल्के स्वेट में इनका कुछ भी नहीं होने वाला। इसके कुछ की फीचर्स भी मिसिंग हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं। इसमें आपको कोई भी इन ईयर डिटेक्शन देखने को नहीं मिलता, इसमें आपको कोई भी डुअल डिवाइस प्रॉपर कनेक्शन देखने को नहीं मिलता, मतलब आप साइमल्टेनियसली दो डिवाइसेस में कनेक्ट करके नहीं रख सकते, जो कि रियलमी 3S का रिव्यू मैंने बाय द वे डाला हुआ है चैनल पे, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। इनमें प्रॉपर डुअल डिवाइस कनेक्शन हमें देखने को मिलता है, और अगर आप इन दोनों का कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी तीसरे पॉइंट की बात करें तो इसमें आपको कोई भी पेयरिंग बटन देखने को नहीं मिलता, दैट मीन्स अगर आपको इसको पेयरिंग मोड में डालना है तो दोनों ईयरबड को आपको पहनना पड़ेगा, उसको टच एंड होल्ड करना पड़ेगा 4 से 5 सेकंड के लिए, उसके बाद ही ये पेयरिंग मोड में जाते हैं। और वैसे इस प्राइस पॉइंट पे एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, बट इसमें हमें कोई भी ANC या ट्रांसपेरेंसी मोड भी देखने को नहीं मिलता। तो ये कुछ की फीचर्स थे जो इसके अंदर से मिसिंग है। तो गाइज हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके डिज़ाइन की। तो यहाँ पे मैंने इसको ब्लू कलर में परचेज किया था, ये व्हाइट कलर में भी अवेलेबल है, तो आप वो भी परचेज कर सकते हैं। अब इसका जो डिज़ाइन है वो मेरे को काफ़ी तक सिमिलर लगता है ओप्पो के A2 प्रो जैसा, उसी टाइप के पेबल टाइप की शेप है, और काफ़ी हद तक इन्होंने सिमिलर कॉपी करने की कोशिश की है, और साइज़ भी ऑलमोस्ट बराबर है, बट ये थोड़े से लाइट फील होते हैं। उसका एक रीज़न ये है कि इनमें जो मटेरियल यूज़ किया गया है, जो प्लास्टिक यूज़ की गई है, वो बहुत ही मेरे को चीप क्वालिटी की लगी। मतलब जब आप इसको हाथ में पकड़ेंगे तो आपको एक प्रीमियमनेस का एहसास नहीं होगा बिल्कुल, जबकि ओप्पो के जो बर्ड्स 2 थे, जिसका रिव्यू मैंने ऑलरेडी चैनल पर डाल रखा है बाय द वे, अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, इनका जो केस है वो काफ़ी प्रीमियम और सॉलिड बिल्ड फील होता है कंपैरेटिवली इनके। तो यहाँ पे ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। बाकी सामने की तरफ आपको एक रियलमी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, बॉटम में आपको एक चार्जिंग इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, जो कि जब आप इसके लिड ओपन करते हैं तो पेयरिंग में भी आपको हेल्प करता है, ग्रीन कलर की इंडिकेट करती है ये। और जो टॉप सेक्शन है वो थोड़ा सा ट्रांसलूजेंट है, तो अगर इसमें किसी सर्टेन एंगल से लाइट पड़ेगी तो अंदर के जो बर्ड्स हैं वो हल्के हल्के आपको दिखाई देते हैं, वाइट कलर में थोड़े से ज़्यादा प्रोमिनेंट होंगे बट ब्लू कलर में उतने ज़्यादा फील नहीं होते। तो ओवरऑल अगर मैं इसके डिज़ाइन की बात करूँ केस की, तो मेरे को केस उतना अच्छा नहीं लगा, और थोड़ा सा रियलमी को यहाँ पे थोड़े से अच्छे मटेरियल का यूज़ करना चाहिए था, क्योंकि 2000 के बर्ड्स हैं तो एटलीस्ट यार क्वालिटी तो अच्छी देनी चाहिए थी इनको। बाकी अगर हम बात करें इंडिविजुअल बर्ड्स की, तो अगेन बर्ड्स जो हैं वो काफ़ी लाइट वेट हैं, एक बर्ड का वेट जो है वो अराउंड 4 ग्राम के आसपास है,
और यहाँ पे आपको जो स्टेम डिज़ाइन देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी ग्लॉसी और शाइनी मटेरियल का यूज़ किया गया है सामने की तरफ। तो अगर आप ऐसे है पर्सन हैं जिसको थोड़ा सा फ्लैशी लुक या फ्लैशी टाइप के डिज़ाइन पसंद है तो आपको डेफिनेटली पसंद आने वाले हैं। बट जो बाकी एरिया है इन ग्लॉसी पार्ट को छोड़ के फ्रंट वाले को, वो सारा अगेन वैसा ही मटेरियल है जैसा केस में यूज़ किया गया था और मैट फिनिशिंग में है। तो मेरे को अगेन उतना बेटर नहीं लगा, उतना अच्छा नहीं लगा। ये डिज़ाइन का जो होता है सब्जेक्टिव चीज़ होती है, तो हो सकता है आपको पसंद आए और किसी को पसंद ना आए। तो मेरे हिसाब से मेरे को उतने अच्छे नहीं लगे ये बर्ड्स पर्सनली, और मेरे हिसाब से रियलमी को और थोड़ा सा इसमें मटेरियल अच्छा यूज़ करना चाहिए था। बट इसमें बेनिफिट एक ये है क्योंकि ये हमारे को मैट फिनिश में देखने को मिल जाते हैं तो इजीली स्क्रैचेस नहीं आते, और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है तो आप इसको इजीली जो है वो पॉकेट में कैरी कर सकते हैं, जीन्स की पॉकेट में कैरी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आने वाला आपको। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं इसकी कनेक्टिविटी के लिए और इसके ऐप सपोर्ट के ऊपर कि आप इसमें क्या क्या कस्टमाइजेशन वगैरह कर सकते हैं। अब इसकी जो एप्लीकेशन है वो एंड्रॉयड iOS दोनों पे अवेलेबल है, बट यहाँ पे iOS के साथ ये कंपैटिबल नहीं है। तो अगर आप iPad या iPhone यूज़र हैं तो प्लीज़ इसको कंसिडर मत करना, क्योंकि आप इसको कस्टमाइज़ नहीं कर सकते, इसके इक्वलाइजर को वगैरह को चेंज नहीं कर सकते। तो मैं आपको फटाफट से एंड्रॉयड में क्या क्या कस्टमाइजेशन हमें देखने को मिलती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद आके इसके बारे में बात करते हैं। तो गाइज़ जब आप इसको कनेक्ट कर लेंगे अपने एंड्रॉयड फ़ोन के साथ तो आपको Realme Link ऐप देखने को मिलती है, जिसके होम पेज पे ही जो भी कनेक्टेड डिवाइसेस होते हैं वो यहाँ पे आपको शो कर जाते हैं। और जब आप इसको ओपन करेंगे तो इंडिविजुअल बर्ड्स की आपको यहाँ पे बैटरी दिखाता है यहाँ पे कि कितनी बर्ड्स में कितनी बैटरी पेंडिंग है। उसी के साथ साथ आपको यहाँ पे 3 डेडिकेटेड प्रीसेट इक्वलाइज़र देखने को मिल जाते हैं जो कि है बेस बूस्टेड, बैलेंस एंड ब्राइट मोड, जिसमें से बैलेंस मोड मैं रेकमेंड करूँगा कि आप सब लोग प्रेफर करें क्योंकि इसमें सारी चीज़ें अच्छे से रहती हैं। उसी के साथ साथ आपको यहाँ पे वॉल्यूम एनहांसर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो कि ऑडियो को थोड़ा सा बूस्ट कर देता है, तो ये थोड़ा सा लाउड हो जाते हैं, तो अगर आप किसी नॉइजी एनवायरनमेंट में हैं तो इसको डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे डेडिकेटेड गेमिंग मोड देखने को मिल जाता है, तो अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको ऑन करने के बाद ही करिए, तो थोड़ी सी बहुत आपको लेटेंसी और ज़्यादा कम देखने को मिलेगी। और यहाँ पे हमें कुछ बटन के सेटिंग्स देखने को मिल जाती है जो कि है डबल टैप, ट्रिपल टैप या टच एंड होल्ड में आप क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि प्ले, पॉज, नेक्स्ट, प्रीवियस, वॉल्यूम अप डाउन वगैरह सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये है इसका एक छोटा सा एक एप्लीकेशन का रिव्यू। इसके अलावा हमें कोई भी एक्स्ट्रा सेटिंग्स देखने को नहीं मिलती है, और यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन में जाता हूँ तो यहाँ पे कोई भी हमें फर्मवेयर का भी अपडेट यहाँ पे कोई भी एस सच मेरे को दिखा नहीं, तो आई डोंट थिंक कि इसमें कोई फर्मवेयर अपडेट आने वाले हैं। तो ये कुछ इसका छोटा सा इंटरफेस है, सिर्फ आपको कस्टमाइजेशन मिलती है बटन्स की, और उसी के साथ साथ आपको कुछ 3 प्रीसेट मिलते हैं, और कोई भी आप अपना खुद का इक्वलाइजर नहीं बना सकते इसके अंदर। वाइज कुछ इस तरीके से आप कस्टमाइजेशन वगैरह कर सकते हैं अगर आप एक एंड्रॉयड यूज़र हैं, बट इसमें आपको कोई भी कस्टम EQ का ऑप्शन नहीं मिलता, जो ऑलरेडी 3 प्रीसेट हैं वही देखने को मिलते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी अब हम इसकी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में बात कर लेते हैं जो कि है कॉल क्वालिटी। ज़्यादातर लोग कॉल क्वालिटी को इग्नोर कर देते हैं, बट मेरे हिसाब से एक TWS का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट म्यूज़िक के साथ साथ कॉल क्वालिटी भी होता है। तो मैं क्या करता हूँ, यूजली मैं टेस्टिंग थोड़ा डिफरेंट तरीके से करता हूँ कॉल क्वालिटी की। मैं डायरेक्टली इस माइक से TWS पे शिफ्ट नहीं करता, मैं क्या करता हूँ पहले अपने फ़ोन की रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ, क्योंकि हम जनरली फ़ोन से कैसे बात करते हैं उसका एक आइडिया होना चाहिए। उसी के साथ साथ जब हम कॉल ऑनगोइंग कॉल में ही मैं इसके सिंगल ईयरबड को कनेक्ट करता हूँ कि एक से कैसी आवाज़ आती है, फिर हम दोनों को कनेक्ट करते हैं कि दोनों से कैसी आवाज़ आती है, ताकि आप प्रॉपरली फ़ोन की क्वालिटी और TWS की क्वालिटी को आपस में कंपेयर कर सकें, ना कि माइक और TWS को कंपेयर करें। तो ये वीडियो पूरी अनकट रहेगी, अगर आप इसको देखना चाहें तो पूरा देख सकते हैं। तो चलिए मैं एक फटाफट से कॉल लगा लेता हूँ और आप खुद जज करिए कि इसकी कॉल क्वालिटी कैसी है। हेलो हेलो वैभव, ये फोन कॉल रिकॉर्ड कर सकते हो? हाँ ओके। हाँ मैं ना क्या कर रहा हूँ, मैं Gear 3 न्यू रियलमी की तरफ से आते हैं बट्स उनकी टेस्टिंग कर रहा हूँ। अच्छा हाँ, तो अभी मैं अपने फोन से बात कर रहा हूँ, अभी आपको आवाज कैसी आ रही है? अभी हाँ सही आ रही है, नॉर्मल आ रही है। अभी नॉर्मल आ रही है, तो अभी मैं क्या करूंगा, इसी कॉल को चलते रहने देना, मैं ना एक TWS कनेक्ट करता हूँ सिंगल बर्ड। ओके हाँ, तो अभी कनेक्ट हो गए, अभी आवाज कैसी आ रही है? अभी ठीक है, गूंज रही है बताएं। अच्छा गूंज रही है? हाँ वो हो सकता है रूम की वजह से गूंज रही हो, बाकी अब मैं दूसरे दोनों कनेक्ट करता हूँ फिर बताना कुछ इम्प्रूवमेंट है या नहीं है। ठीक, तो अभी मैंने दोनों कनेक्ट कर लिए, अभी कैसी आवाज आ रही है? हाँ अभी भी मतलब ऑलमोस्ट सेम है बट ठीक है, मतलब फोन के कंपैरिजन में ठीक है या थोड़ी इंफीरियर? फोन के कंपैरिजन में बेटर है।
फोन के कंपैरिजन में बेटर है। हाँ अच्छा तो गाइज कैसी लगी आपको इसकी कॉल क्वालिटी, आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइज फाइनली अब हम बात कर लेते हैं इसके साउंड सिग्नेचर के बारे में, जो कि मेरे हिसाब से किसी भी TWS के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है और हम लोग ज़्यादातर इसी चीज़ के लिए इसको परचेज करते हैं। मैंने इसको पिछले 8-10 दिन अच्छे से यूज़ किया, मैंने इसको प्रॉपरली म्यूज़िक सुना, अलग अलग जॉनर के म्यूज़िक सुने, मैंने इसमें मूवीज़ भी देखी, वेब सीरीज़ भी देखी। तो अगर आप सिंकिंग की बात करें, लिप सिंकिंग इशूज़ जो होते हैं वो इसमें मेरे को कुछ भी देखने को नहीं मिले। तो जैसे ही वीडियो प्ले होती है अच्छे से सिंक करता है और ऑडियो जो है वो टाइमली डिलीवर होता है और वोकल्स वगैरह भी अच्छे से प्रोड्यूस होते हैं। तो अगर आप इसको मूवी और वेब सीरीज के लिए कंसिडर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं म्यूजिक क्वालिटी कैसे प्रोड्यूस करते हैं। तो भाई ये जो साउंड सिग्नेचर ये प्रोड्यूस करते हैं ना, ये मेरे हिसाब से 85-90% ऑडियंस को पसंद आने वाला है, जो कि स्पेशली हम पंजाबी म्यूज़िक या बॉलीवुड म्यूज़िक जो सुनते हैं, जो ज़्यादा प्रेफर करते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें अच्छे से प्रोड्यूस होती हैं और आपको किसी भी चीज़ में ऐसा फील नहीं करेगा कि बहुत ज़्यादा लैकिंग है। बट इसका जो डिफ़ॉल्ट साउंड सिग्नेचर है वो मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। थोड़ा सा ना ये मेरे को हल्का सा स्लाइडली बेस हैवी लगा और यहाँ पे जो वोकल्स और ट्रेवल है वो बिल्कुल ही बैलेंस्ड आउट है। तो हल्का सा बेस बूस्टेड है और अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो इसको बैलेंस मोड में डाल के सुन सकते हैं, वहाँ पे साउंड सिग्नेचर बहुत अच्छे से आता है और मेरे को ऐसा लगता है कि 2000 की रेंज में ये ठीक ठाक प्रोड्यूस करते हैं साउंड। बहुत अच्छा तो नहीं बोलूँगा, मेरे हिसाब से अगर 2500 के अंडर में बात करें तो 3S जो है वो ज़्यादा अच्छा साउंड प्रोड्यूस करके देते हैं, क्योंकि इसमें आपको बेटर ड्राइवर देखने को मिल जाते हैं इसके कंपैरिजन में। बट अगर आपको ये सेल में अराउंड 1600-1700 के आसपास मिल रहे हैं तो आप इसको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। साउंड सिग्नेचर में मेरे को ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बेस अच्छे से प्रोड्यूस होता है, ट्रेबल अच्छे से हैं, खोते नहीं हैं ट्रेबल, और वोकल वगैरह तो ठीक ठाक प्रोड्यूस हो ही जाते हैं। तो ये इसका जो कुछ कर्व टाइप का जो मैं अगर आपको ग्राफ से समझाना चाहूँ तो थोड़ा सा बेस वाला ग्राफ ऊपर रहेगा, बाकी वोकल्स और ट्रेबल जो हैं वो बैलेंस आउट रहते हैं। तो इसका डिफॉल्ट सिग्नेचर कुछ इस तरीके का है, जो कि मेरे हिसाब से आपको ज़्यादातर लोगों को पसंद आने वाला है। तो अगर आप म्यूज़िक के लिए इसको परचेज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप छोटी मोटी हल्के फुल्की कैजुअल गेमिंग करते हैं तो किस हिसाब से परफॉर्म करेंगे, कितनी लेटेंसी हमें देखने को मिलती है। अब कंपनी क्लेम करती है कि 88 मिलीसेकंड की लेटेंसी है, तो मैं आपको फटाफट से दिखा देता हूँ, आप खुद जज कर लीजिए। BGMI में टेस्ट करते हैं, आप लोग खुद चेक करिए कि इसकी लेटेंसी आपको कैसी लगी। तो ये था इसका एक छोटा सा गेमिंग टेस्ट, आपको कैसी लगी इसकी लेटेंसी मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी अगर आप एक सीरियस गेमर हैं तो मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस के चक्कर में मत पड़ो, प्रॉपर वायर्ड हेडफोन कनेक्ट करो, उसमें जीरो लेटेंसी देखने को मिलती है और आपको प्रॉपर ट्रैकिंग भी मिलती है लेफ्ट राइट की। इवन तो इसमें भी अच्छी आती है बट इसमें कहीं ना कहीं एक डिले आ जाता है, जो कि आपको अगर आप प्रोफेशनली खेलते हैं तो दिक्कत दे सकता है। तो गाइज फाइनली अब हम बात कर लेते हैं इसकी बैटरी डिपार्टमेंट के बारे में। अब यहाँ पे कंपनी क्लेम करती है कि इंडिविजुअल बड्स में आपको 7 आवर्स मिलेंगे और ओवरऑल केस के साथ आपको 30 आवर्स तक का प्लेबैक मिल सकता है। मेरी टेस्टिंग में थोड़ा सा नंबर डिफरेंट आया है, मैं आपको बता देता हूँ। मेरे को इंडिविजुअल बड्स से करीब करीब 5.5 घंटे का बैकअप मिला है और ओवरऑल चार्जिंग केस मेरा चला है अराउंड 22 आवर्स। तो यहाँ पे ये मेरी एक ऑब्जर्वेशन रही है। दूसरी चीज़, कंपनी क्लेम करती है कि 4 घंटे का आपको कॉलिंग टाइम मिल सकता है इंडिविजुअल बड्स में और केस टोटल टाइम आपको प्रोवाइड कर सकता है 18 घंटे के आसपास, जो कि अगेन मेरे को थोड़ा सा कम मिला है। मेरी टेस्टिंग में ये करीब 3.25 घंटे चले कॉलिंग के दौरान और ओवरऑल आपको इसका अगर उसकी बात करें तो कैलकुलेट के हिसाब से, क्योंकि 4 टाइम इसको चार्ज कर सकते हैं, तो अप टू 14-15 आवर्स इसको आपको कॉलिंग के लिए मिल सकते हैं। तो ये था इसका एक बैटरी कंपैरिजन, जो कि मेरी पिछले 10 दिन की टेस्टिंग के हिसाब से है और ये बिल्कुल रियल लाइफ है, आप इसे रिलेट कर सकते हैं। मेरी टेस्टिंग मोस्टली 80% वॉल्यूम पे रहती है, 70-80% वॉल्यूम पे, और कॉलिंग जो होती है वो 90-100% वॉल्यूम पे रहती है। तो चलिए गाइस फटाफट से कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि भाई किसको परचेज करने चाहिए, किसको स्किप करने चाहिए। अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कि बॉलीवुड और पंजाबी जॉनर की म्यूज़िक ज़्यादा प्रेफर करते हैं तो ये आपको पसंद आने वाले हैं, आप इसको आँख बंद करके परचेज कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ अगर आपको थोड़े बहुत फ्लैशी ईयरबड्स दिखाना अच्छा लगता है ब्लू कलर के या जो थोड़े बहुत शाइनी होते हैं, क्योंकि इसकी स्टेम जो है वो काफ़ी शाइनी ग्लॉसी में देखने को मिलती है, तो भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। और अगर आप एक वेब सीरीज़ और मूवीज़ एंजॉय करते हैं तो भी ये मेरे को इनका वोकल वगैरह बहुत
अच्छा लगा, तो आप इसको उस केस में भी परचेज कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इसको स्किप करने चाहिए। अगर आप एक प्रॉपर प्योर ऑडियो फाइल हो तो आप इसको स्किप कर दो, क्योंकि ये थोड़े से बेस बूस्टेड हैं, आपको पसंद नहीं आएंगे। दूसरी चीज़, अगर आप एक आईफोन या आईपैड यूज़र हो तो भी स्किप कर दो, क्योंकि इसका कोई प्रॉपर आपको एप्लीकेशन सपोर्ट नहीं मिलता, तो आप इसको कस्टमाइज़ नहीं कर सकते, इसके टच कंट्रोल को मॉडिफाई वगैरह नहीं कर सकते हैं। तो गाइज़, ये था एक डिटेल रिव्यू आप लोगों के लिए। अगर आप इसको परचेज़ करने की सोच रहे हैं तो आई होप कि थोड़ी बहुत आपकी हेल्प हो सकी होगी। और अगर आपका कोई और फ्रेंड या फैमिली मेंबर परचेज़ करने की सोच रहा है तो इस वीडियो को आप उसको शेयर कर सकते हैं, ताकि उनकी भी थोड़ी बहुत हेल्प हो सके। बाकी मैं इस तरीके का कॉन्टेंट लेके आता रहता हूँ, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, इससे मेरे को थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिलती है, ताकि मैं इस तरीके का कॉन्टेंट आप लोगों के लिए लेके आता रहूँ। और इसी के साथ साथ मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।